अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और अब मैं बनाने लगा था आलू गोभी, तो मैं कैसे बनाने लगा हूँ इसकी मैं सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी ट्राई करिएगा। ये मैंने ओनियंस काटे हैं, ये टमाटर, हरी मिर्चें और हरा प्याज, ये मसाले मैंने अपने हिसाब से डाले हैं। नमक, काली मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, कसूरी मेथी सूखी, और ये कनोर का क्यूब है, चिकन क्यूब है, ये आलू है। तो आगे जैसे ही मैं शुरू करता हूँ तो मैं आपको वीडियो सारी दिखाता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, थैंक यू। और ये टमाटर और हरी मिर्च वगैरह की भी कटिंग हो चुकी है, अदरक वगैरह, और अभी ये ओनियन है, ये मैंने ऑयल गरम किया और अब इसमें ये मैं ओनियन ऐड कर दूँगा। ये मैंने ओनियन ऐड कर दिए, अब मैं ओनियन को थोड़ा सा ब्राउन करूंगा या थोड़ा सा इन्हें और पका लूँगा। अब प्याज रेडी हो चुके हैं तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगा। अब प्याज का और अदरक का कलर आना शुरू हो गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च और ग्रीन प्याज ऐड कर, अब इनको मैं अच्छी तरह भूनूंगा और फ्राई करूंगा। और साथ में ही मैं इसके अंदर यहाँ पे ही सारे स्पाइसी मसाले ऐड कर दूँगा। अब मैंने सारे स्पाइसी ऐड कर लिए हैं और अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगा और मिक्स कर लूँगा ताकि सारा मसाला मिक्स हो जाए और ये अच्छी तरह सारा भुना जाए। और ये मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगा और इनको भून लूँगा, गला लूँगा, उसके बाद एंड पे हम गोभी ऐड करेंगे। आलू मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, अब इसके अंदर मैं गोभी ऐड कर दूंगा। और फिर इसको भी मिक्सअप कर दूंगा। और ये अब इसके अंदर मैंने गोभी ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया है। और वही हुआ जिसका डर था, मेरा बर्तन छोटा था और गोभी ज़्यादा थी और मिक्सअप करने में मुझे इशू हो रहा था, इसलिए मैंने उसे थोड़े बड़े पैन में ऐड कर लिया। तो अब ये बन रही है, जब ये बन जाएगी फिर मैं आपके साथ इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। जी तो फाइनली मेरी आलू गोभी बन गई है, ये देखें। और साथ में ये रायता और साथ में सैलड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, शुक्रिया।